मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो सर्जरी का एक पार्ट है, कारबंकल। ये क्या है? इट इज ए एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज इन स्किन कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल सीव लाइक पस ओपनिंग एंड ब्राउनिश अपीयरेंस ऑन द सरफेस। मतलब यह एक एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लामेशन है जिसमें स्किन पे ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का वहाँ पे अपीयरेंस होती है और इसमें जो होती है मल्टी ओपनिंग हो जाती है जिससे कि पस डिस्चार्ज होता है। दूसरी बात यह बोलता है कि यह जो कारबंकल होता है यह इंड्यूरेटेड होती है। इंड्यूरेटेड का मतलब होता है ये हार्ड होता है। जैसे कि हम बॉयस में देखे थे हम कि बॉयस में क्या था कि जो सेंट्रल एरिया जो होती है बॉयस में सेंट्रल एरिया जो होता है ब्लैकिश होती है और सराउंडिंग एरिया रेड होता है। बाद में चल करके फिर ये नॉर्मल हो जाती है। ये नहीं है कारबंकल में। कारबंकल में सारे एरिया जो होती है वो क्या होता है वो ब्लैकिश रहती है और हार्ड रहता है ना। है तो बॉयस का ही एक अलग कॉम्प्लिकेशन है लेकिन थोड़ा सा हट जाता है बॉयस से, तो इसको हम कारबंकल बोलते हैं या एक स्किन गैंग्रीन के नाम से हम उसको जानते हैं। स्किन में क्या होती है वो एक तरह से नेक्रोसिस हो जाती है, तो ये गैंग्रीन हम लोग तरह से बोलते हैं। दूसरी बात है कारबंकल ज़्यादातर जो क्या होती है मेल में होता है, मेल में डेवलप होने की टेंडेंसी होती है। क्यों होता है मेल में, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। यंग एज में भी होता है और मेल में भी होता है। क्यों होता है देखते हैं। कारबंकल को हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ बॉयस कहते हैं। क्यों बोलते हैं क्लस्टर ऑफ बॉयस, क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉयस मिल करके तब ये बनता है कारबंकल। इसमें क्या होता है कि जो स्किन होता है स्किन पर अंदर से जो होता है डैमेज फैट माइग्रेट करके स्किन के सरफेस पे चला आता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो होती है जो जैसे ये स्किन है तो स्किन में ये स्किन में अंदर में क्या होता है यहाँ से फॉलिकल होती है हेयर का और डर्मिस लेयर में इसका रूट होता है। तो अब क्या होता है कि नॉर्मल में जैसे ये चलिए यहाँ पे हो गया फिर फॉलिकल, फिर यहाँ हो गया फॉलिकल, यहाँ हो गया फॉलिकल, फिर यहाँ हो गया फॉलिकल। इस तरह से क्या होता है कि फॉलिकल होता है। इसमें क्या होता है कि फॉलिकल में इन्फ्लामेशन होती है एक फॉलिकल में। यह इन्फ्लामेशन जो होती है यहाँ से स्प्रेड करके दूसरे फॉलिकल में चली जाती है। यहाँ से इन्फ्लामेशन होकर के दूसरे तीसरे फॉलिकल में चली जाती है। फिर यह इन्फेक्शन होकर इस फॉलिकल में चली जाती है। यानी इस तरह से क्या होती है कि मल्टी फॉलिकल में यह इन्फ्लामेशन करती है पस बनाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ बॉयस कहते हैं। अभी और आगे सुनना होगा। दूसरी बात है कि ये होती है स्किन फोल्डेड एरिया में ज़्यादा होती है, यानी कि मोर कॉमन इन नेक स्किन, एक्जिला स्किन, बैक स्किन, स्क्रोटम स्किन। क्योंकि यहाँ पर जो होती है स्किन का जो लेयर होता है वो रेगुलर नहीं होती है वहाँ पे। तीसरी बात अगली बात है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये एडिपोज टिश्यू तक चला जाता है जिसके कारण फैट जो होता है वो जो अबनॉर्मल फैट जो होती है वह फैट यहाँ पर माइग्रेट करने लगती है यहाँ पर और माइग्रेट करके और सुपर स्किन के सुपरफिशियल लेयर तक जो होता है ये फैट चला आता है। यानी यहाँ से ये फैट जो होती है माइग्रेट करके सुपरफिशियल लेयर तक चला आता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो हार्ड हो जाता है फैट के कारण ही। दूसरी बात है ये फैट सुपरफिशियल लेयर पे आकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसके कारण इसका कलर जो होती है डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो जाता है। तो ये जो होता है हम लोग देखते हैं इसमें जल्दी ऐसा अपीयरेंस हो जाती है। तो क्या क्या हुआ इसमें, तो कोई ऑर्गेनिज्म पहले इन्फ्लामेशन किया होगा एक फॉलिकल को, वह फॉलिकल जो होती है वह मल्टी फॉलिकल में इन्फ्लामेशन किया। इसीलिए बोले कि मेल में यह फॉलिकल ज़्यादा होता है हेयर फॉलिकल। और दूसरी बात है कि यंग में यह फॉलिकल एक्टिव होता है, इसलिए यह डिजीज यंग में या 30 साल 35 साल 40 साल के बीच में फॉलिकल का एक्टिविटी ज़्यादा होती है। दूसरी की मेल में फॉलिकल ज़्यादा होता है इसलिए यह डिजीज ज़्यादा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट कि ये जो डिजीज का कारण क्या होता है, तो इसके लिए कारण है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दो बैक्टीरिया है जो कि फॉलिकल में जाकर के इन्फ्लामेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर,
ये सबसे ज्यादा किस लोगों में होता है? तो डायबिटिक मेलाटस पेशेंट को होता है, एचआईवी पेशेंट को होता है, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट को होता है, कॉर्टिसोल थेरेपी वाले पेशेंट को होता है, या फिर हम बोला मेल में होता है, यंग एज में होता है, रिच कार्बोहाइड्रेट लेने वाले लोगों को होता है ज्यादा। तो इस तरह से ये ज्यादा कार्बंकल जो होती है जो लोग ज्यादातर पोटैटो या मैंगो ज्यादा यूज करते हैं उन लोग को भी ज्यादा होने का टेंडेंसी होता है या राइस हो लेते हैं। चलिए ऐसा कोई बहुत पिकुलरिटी नहीं है, ये फैक्टर में आता है। ये अब क्या होता है कि जो मैकेनिज्म बताया कि यहाँ से फैट जो है माइग्रेट करके ऊपर चली जाती है और मल्टी ओपनिंग हो जाती है, ये इसमें कंडीशन आती है। तो इसमें सिम्टम क्या मिलेंगे आपको? तो पेशेंट का मेन सिम्टम आता है कि ये जो एरिया होती है वह इंडिग्रेटेड होता है, हार्ड होगा, पेनफुल होगा, सराउंडिंग एरिया पेनफुल होगा, जो एरिया सराउंडिंग एरिया रेडनेस रहेंगे, ओडिमेटस रहेंगे, स्वेलिंग रहेंगे। दूसरी बातें आती है साइन में, इस अच्छा कॉम्प्लिकेशन में सिम्टम एक दो बार आता है, जैसे कि फीवर आता है मरीज को और लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। साइन में क्या मिलेगा कि जब इसको हम टच करके देखेंगे तो हार्ड मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक का इसका साइज होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा भी होता है और स्किन से एलिवेटेड रहता है ऊपर की तरफ, स्किन से ऊपर की तरफ ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता है ये। इसके बाद जब इसको हम प्रेस करेंगे तो कई जगह से पस निकलेगा, इधर से पस निकलेगा, इधर से मतलब मल्टी कम से कम 15-16-20 ओपनिंग हो जाती है एक जगह पे, उतना जगह से पस निकलता है इसमें, इसलिए वो बोलते हैं सीव लाइक अपीयरेंस, छल्ली जैसा जो होता है ना उसमें अपीयरेंस हो जाता है, इसलिए सीव लाइक अपीयरेंस बोलते हैं इसको हम लोग सुपरफिशियल लेयर में। अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो कार्बंकल क्या होता है, डीप लेयर में जा सकता है, डीप टिश्यू में जा सकता है, बोन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, या मल्टी कार्बंकल डेवलप हो सकता है, सेप्टिसेमिया, पायमिया, टॉक्सेमिया, ये सब कंडीशन कार्बंकल में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कार्बंकल को डायरेक्ट हम लोग देख के पता लगा लेते हैं, बहुत से होते हैं इसके पस को हम लोग कल्चर कराकर ग्राम स्टेंसिस को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फिर हम लोग हाँ ब्लड शुगर जांच करा के देख सकते हैं, ब्लड शुगर में आपको हो सकता है कि मेरी बढ़ा रहे, TLC काउंट कराएंगे बढ़ा हुआ रहेगा और TLC में न्यूट्रोफिलिया रहता है। अब आते हैं बात मैनेजमेंट पे, तो क्या मैनेजमेंट करते हैं इसके लिए? सबसे पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करते हैं, पस प्रॉपर ड्रेन करते हैं और सर्जिकली रिमूव कर देते हैं पूरे कार्बंकल को, क्योंकि आप इस ये जो होती है बॉयल जैसा नहीं है कि बीच में से लोग पस निकाल देंगे, इसमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ सकता है, हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी करना पड़ सकता है इस कंडीशन में, ज्यादा डीप में अगर होता है तो प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं इसमें लोग, करना पड़ भी जाता है उसमें, या फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक बैंडेज यूज करते हैं और इसके बाद यहाँ से पस को क्या करते हैं लोग रिमूव कराते हैं। ये था इसके लिए मैनेजमेंट। बाकी हम लोग क्या है डाइट मैनेजमेंट करते हैं, शुगर और डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करते हैं उस मरीज को, है ना, ये सब हम लोग पेशेंट के लिए हम लोग देते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिच प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, विटामिन ए सप्लीमेंट डाल देते हैं चूंकि ये आसानी से रिमूव हो सके। बाकी आते हैं बात होम्योपैथी मेडिसिन पे, होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं एंथ्रासीरम देते हैं, एंथ्रासीरम से यहाँ पर जो डिहाइड्रेटेड सब्सटेंस सॉफ्ट हो जाती है, प्लस अर्निका देते हैं, अर्निका हाइड्रोजन देते हैं चूंकि ये डायल्यूट हो सके वहाँ पे सॉफ्ट हो सके। इसके बाद यहाँ पर साइलेंसिया भी यूज करते हैं, इसके बाद बेलाडोना यूज करते हैं पेन के लिए यूज करते हैं, मारिस्टिका क्यों चलाते हैं इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, इचिनेसिया क्यों चलाते हैं पेशेंट को ओडली देते हैं, ये सब इसे मेडिसिन देते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में एंटीबायोटिक होता है जो कि पेनडियोल चलाते हैं या फिर पेंसिलिन ग्रुप की दवा चलाते हैं या फिर पेंटेट सल्फ देते हैं इस पेशेंट को, और पेन के लिए जो पेन किलर ड्रग्स है डालोना SP वो चलाते हैं पेशेंट को। ये सब कार्बंकल का एक कंट्रोलिंग है, ये डिजीज था, ये सपरेटिव डिजीज होती है और इसमें जो होती है हम लोग मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसमें आसानी से उसको हम हटा लेते हैं रिमूव कर देते हैं, यानी कि यह बॉयल्स का एक फॉर्म्स था इसको हम देख लिए। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।